स्वामी जी महारानी। हाँ स्वामी जी। संसार में विधाता ने धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन महारानी। लेकिन क्या स्वामी जी, हवेली में एक भी पुत्री या पुत्री नहीं है जिसके बिना धन दौलत ये शान ये शौकत सब कुछ अधूरा है। सोचता हूं प्रिय, अगर हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे चल करके इस राज और मेरे सर के ताज का क्या होगा। हे स्वामी जी, मैं समझ सकती हूँ आप पुत्र के लिए कितना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी मुझे संतान नहीं हो रही स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हे स्वामी जी, जब मैं अपनी राजपाट में घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं किसी माँ बहन गोद में पुत्र या पुत्री की खेल तो नहीं देखती हूँ स्वामी जी। लगती वो पुत्र को छीन कर मैं अपने गोद में ले लूं स्वामी जी। नहीं महारानी, तो क्या करूं स्वामी जी? ऐसा करने से तू संसार में माँ नहीं बन जाएगी। तो क्या करूं स्वामी जी? विधाता ने जो लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता प्रिय। आज ये एक बच्चे के लिए मैं संसार में इस राज उत्तमपुर शहर में मैं ललायत हूं महारानी। स्वामी जी, अगर हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे चल करके इस राज उत्तमपुर शहर का इतिहास अधूरा रह जाएगा प्रिय। जी स्वामी जी, सोचता रहता हूं। दरबार में आने के बाद मैं हमेशा उदास रहा करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें दरबार में बुलाया था महारानी। स्वामी जी, आप पुत्र की रोते हैं स्वामी जी, आज मैं पुत्र के बारे में अपने मन से कुछ सोच के आई हूँ स्वामी जी। घंटा आगे बढ़ जाओ ना, अब तो तारो काम करवाए दो। बोली क्या कहना चाहती है महारानी? हे स्वामी जी, मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ, आप तो जानती इस मन में एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई। हाँ महारानी, आप ऐसा करें,
स्त्री शादी कर लीजिए। पागल की तरह बातें मत करो महारानी, ये तुम अपने मन में कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे जीते जी इस हवेली में दोबारा शादी करके ले आऊंगा। स्वामी जी आप नहीं जानते हैं, अगर आप दूसरी शादी करके इस महल में छोटी बहन की लाएंगे, अगर उसी गर्भ से पुत्र या पुत्री की जन्म दे देंगे, साथ ही साथ मैं भी मां के लाऊंगी। स्वामी महारानी, स्वामी जी इसका टेबल खोलिए। तू तो सिर्फ बच्चे के लिए सोच रही है। हाँ स्वामी जी, कि मैं शादी कर लूंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा, लेकिन इस बात को तुम भूल रही है प्रिय, अगर मैं शादी कर लूंगा हो सकता है कभी ना कभी मेरा दिल और दिमाग बदल जाएगा, छोटी महारानी में लग जाएगा, तो महारानी तुम्हें हवेली में बहुत कष्ट होगा। स्वामी जी मैं पुत्र के लिए कोई भी कष्ट झेल सकती हूँ स्वामी जी? नहीं महारानी नहीं, आप मान जाइए स्वामी जी, मान जाइए। क्यों ऐसा कह रही है तू? महाराज सुन रहा है महारानी क्या बक रही है, क्या होगा दरबार में? महारानी का कहना है कि मैं एक बच्चे के लिए इस हवेली में फिर से शादी करके ले आऊं। महाराज इस समय महारानी जी जो भी कह रही है ये बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। सही कह रही है महारानी जी? बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? मैं मानता हूँ महाराज आप महल के बारे में हर बात को जानते हैं। हाँ बिजली, लेकिन अपने राज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानता हूँ मैं? जब भी महाराज आपके राज में घूमने के लिए जाते हैं यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या वो देखो राजा उत्तरपासी का महामंत्री आ रहा है, शराब सा पावो रोड छोड़ी गई बोने बोन बोने बोन शराम सा कोना कोनी तबाई बोने बोन कोना कोनी। सवेर में आना चाहिए, सवेर मत तो नहीं मिलो कम वक्त कहीं का। बिजली आखिर इस समय हम शादी करने से इनकार क्यों है? इतना तो मैं जानता हूँ कि परजाओं यहाँ का मुझे ऐसा कहता है। जी महाराज, लेकिन महामंत्री ईश्वर के सामने किसी का नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। बता मैं अपने महारानी को जीते जी इस हवेली में फिर से शादी कैसे कर सकता हूँ? महाराज इस समय आप शादी करने से इनकार है। बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर आप महाराज शादी नहीं करेंगे हम लोग भी आपके दरबार में नौकरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कपार पर टोकरी के पूछा नौकरी उधर कहाँ भागता है? यहाँ से बाबू भाग जाएंगे, बकरी भागे खाएंगे। कम वक्त कहीं का कोई काम दूसरा करो। भट्टा पर जाएंगे बकरी बहाएंगे, लेकिन आपके राज में आप नहीं रहेंगे। महामंत्री आखिर मैं करूं तो क्या करूं? इस समय महाराज बड़ी महारानी में नहीं हुआ, छोटी महारानी में होगा। अगर उसमें भी नहीं हुआ हाँ। तिलवा पर्व का बाद फिर उच्च मोना करा दो। शराब तिले तिले बोध कंबक्त कहीं का। तो इतना तो मैं जान गया कि तुम लोग नीली भगत और नीली भगत तुम सब एकत्रित हो चुका है जी, और मुझे दम फुला रहा है। नीली भगत नहीं है महाराज, तो हम लोग मूली भगत है। मूली भगत आप तैयार है शादी के लिए कि नहीं है? महारानी बेचारे कौनी राज से पछवार में देखो, तुम लोग सोच लिया है अपने मन में कि मैं शादी करूंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा। जी स्वामी जी ठीक है महामंत्री, अगर तुम लोग ऐसा सोचा है तो कितने की बातों का उल्लंघन करूंगा। जी जी महाराज, हवेली में महारानी और नौ बरसागर नौरी वाणी का भी यही कहना है। ठीक है
छह बिजली में शादी के लिए तैयार हूँ। तैयार है। एक मिनट एक सेकंड में तुम भी तैयार हो जाओ।